प्रैक्टिस करनी है सवेरे को उठ करके, कुछ भी याद ना आए क्या, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं उनमें से कुछ भी याद ना आए, क्या याद आए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाप भी बाद में, मैं आत्मा स्टार, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, ये प्रैक्टिस जितनी ही सवेरे उठते उठते ये संकल्प पक्का करेंगे उतनी रूहानी मिलिट्री के मजबूत बारियर बनेंगे। और बारियर ऐसा नहीं है कि बारियर हमेशा सिपाही सिपाही रहता है, सिपाही अगर अच्छा काम करे तो सबकी नजरों में चढ़ता जाता है, और वो सिपाही क्या बन सकता है, सम्राट भी बन सकता है। इसलिए होल दिल नहीं होना चाहिए, बाप तो बैठे हुए हैं, वर्षों से ये बात बताए रहे हैं, हिम्मत है बच्चे मदद है, अब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो बाप मदद क्या करेंगे। तो पहली पहली हिम्मत है अपने को आत्मा समर्पण, आत्माभिमानी अमृत वेले प्रैक्टिस करने की। फिर अगर सवेरे उठ करके प्रैक्टिस भी की और उसमें बहुत कुछ सफल भी हुए, अब प्रैक्टिस करते करते थोड़ा अलबेलापन आया और सो गए, तो की हुई सारी मेहनत सब चट हो जाती, कुंभकर्ण के हिस्से में चली जाती है। फिर क्या करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि 2 बजे 1 बजे ही उठा जाए, क्या अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं को मंग उत्साह में आ गए, बाबा की अच्छी सी वाणी सुन ली, कोई आत्माओं ने फोर्स भर दिया तो गैस के गुब्बारे बन गए। गैस का गुब्बारा क्या करता है, जितनी ज्यादा गैस भर जाती है तो बहुत ऊंचा उड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी गैस खत्म होने लगती है तो क्या करता है, नीचे आने लगता है। तो गैस का गुब्बारा भी नहीं बनना है, जो काम करना है दृढ़ता से करना है, करके ही छोड़ना है। अभी तो कितनी अच्छी बात बताई हुई है, संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। अगर संगम युग में ऐसे कार्य न करने की हिम्मत की, हिम्मत पस्त होने लगे, तो और किसी जन्म में हिम्मतवान नहीं बनेंगे।